हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली जो है इनकी रेक्टेंगुलर शेप की है, जो स्क्वायरिश शेप से थोड़ी सी अलग रहती है। उसमें एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनती है अगर हथेली के आसपास एक बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जाए, तो एक आयताकार आकृति आपको दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी रेक्टेंगुलर हथेली होती है काफ़ी एनालिटिक होते हैं, हर चीज़ की गहन तक जाना इनकी नेचर होती है। पूरी खोजबीन करने के बाद ही ये कोई नया काम शुरू करते हैं, तो कुछ इस तरह की नेचर इनकी भी यहाँ पर रह सकती है। और फिंगर्स की बात की जाए तो एवरेज लेंथ की हैं, ना ही ज़्यादा शॉर्ट हैं फिंगर्स इनकी, ना ही बहुत ज़्यादा लंबाई में हैं। और यहाँ पर काफ़ी खड़ी रेखाएं भी मुझे इनकी फिंगर्स पर देखने को मिल रही हैं, जो शो करती हैं इनकी नेचर को, फ्रेंडली नेचर को। तो कुछ खड़ी रेखाएं होना यहाँ पर इनकी फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। और उसके अलावा लेंथ की अगर बात की जाए तो अपोलो की लेंथ, फिंगर की लेंथ यहाँ पर तर्जनी से थोड़ी ज़्यादा है, जो शो करती है काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को। इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ में कुछ कमी रह सकती है। और यहाँ पर जो गैप आप देख सकते हैं, जो इनकी लिटिल फिंगर के बीच में और अपोलो के बीच में गैप नज़र आ रहा है, यह इनकी ज़िद्दी स्वभाव को भी शो करता है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी की जो लेंथ है यहाँ पर लगभग फर्स्ट फैलेंज के आसपास पहुँच रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, हल्की सी छोटी रह गई है मर्करी फिंगर, अदरवाइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। अच्छा बिजनेस एक्मन इनके अंदर रहने वाला है। और यहाँ पर मर्करी फिंगर का थोड़ा शॉर्ट होना कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत को शो करता है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रह सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है और मर्करी थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से व्यक्ति थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज़ में पीछे रह जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर फिंगर्स के बेस फैलेंजेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहने वाला है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन है जो बनकर सामने आएगी, आप देख सकते हैं, तो जिसमें कोई भी फिंगर मुझे ज़्यादा लो सेट होती नहीं दिखाई दे रही। मर्करी फिंगर की सेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो बृहस्पति माउंट है थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सारे माउंट्स में से मुझे मर्करी माउंट ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी बिल्कुल सीधी चल रही है, ज़्यादा डाउन नहीं हो रही है। और अच्छा मर्करी होना व्यक्ति की बिजनेस में कामयाबी को शो करता है, तो बिजनेस में ये काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और बाकी के माउंट्स को कंपेयर करते हैं, सारे माउंट्स को चेक करते हैं, तो वन बाई वन एक एक माउंट को देखते हैं और देखते हैं उसके बाद लाइंस इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका बृहस्पति माउंट है थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रहती है, बाकी भी कुछ गुरु की तरफ से जो कृपा होती है उसमें भी कमी रहती है। थोड़ा सा बृहस्पति का वीक होना व्यक्ति को थोड़ा सा डिले करवाता है चीज़ों में, और कुछ कमियां रहती हैं। तो अपनी इस राइट हैंड की जो तर्जनी फिंगर है इसमें गोल्ड का एक छल्ला पहनकर रखें तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल कोई भी बैड मार्किंग यहाँ पर नहीं है बृहस्पति माउंट के ऊपर, सिर्फ थोड़ी सी वीकनेस ही नज़र आ रही है। सैटर्न एंड सूर्य माउंट भी मुझे यहाँ पर थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और उभरे हुए माउंट्स यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ इन तीनों माउंट्स को, तो यहाँ पर कुछ हल्की वीकनेस है इनके माउंट्स में। ओवरऑल बाकी के माउंट्स यहाँ पर जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वीनस का हो गया जैसे, या फिर अगर कहा जाए मून का, और वीनस और मर्करी यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न का भी फ्लैट माउंट काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पर सैटर्न लाइन भी है तो सैटर्न की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। सूर्य माउंट का वीक होना थोड़ा सा एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि सूर्य माउंट वीक होने से
नेम एंड फेम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, आई साइट की प्रॉब्लम रह सकती है, आई साइट वीक हो सकती है एज बढ़ने के साथ साथ। ओवरऑल मर्करी को अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग माउंट है इनके यहाँ अपर माउंट्स में से, तो काफ़ी स्ट्रांग मर्करी का होना और यहाँ से हल्की मर्करी लाइन का चलना भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिजनेस में यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इनकी तरक्की जो रहेगी इनकी अपनी सूझबूझ की वजह से रहने वाली है। आगे चेक करते हैं लाइंस को, लाइंस इनके बारे में क्या क्या इंडिकेशन देती हैं इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ हार्ट लाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफ़ी क्लियर है, कोई भी मुझे मेजर फ्लॉ हार्ट लाइन में नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हार्ट लाइन और आगे चलकर बाय फोर्क होती हुई विष्णु सिंबल की क्रिएशन कर रही है। वी सिंबल यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति की लाइफ में प्रोग्रेस तो बहुत रहती है लेकिन स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर स्ट्रगल शो हो रही है इनिशियल लेवल पे, शुरुआती दौर में इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चलकर इनकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। तो जिनके भी हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है उनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से, किसी अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें बेनिफिट होने की बजाय नुकसान होने के चांसेस ही ज़्यादा रहते हैं जिनके हाथ पर इस तरह से हार्ट की लाइन जो है वी सिंबल बनाती हुई शुरू हो रही हो। तो यहाँ पर इनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। हल्की थोड़ी सी इमोशनल नेचर रह सकती है क्योंकि जो लाइन है यह ऊपर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा हल्का मुझे गर्ल ऑफ वीनस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर भी हल्का सा गर्ल ऑफ वीनस दिखाई देगा जो मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज हार्ट की लाइन का ऊपर की तरफ मुड़ना ही काफ़ी होता है इमोशंस के लिए, और अगर हार्ट की लाइन में नीचे की तरफ कुछ ऐसी लाइंस हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है व्यक्ति। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल तो मैं इनको नहीं कहूँगा क्योंकि हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है और बिना ऑफशूट्स के है। एक ऑफशूट आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ मंगल की तरफ चलता हुआ, जो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालता है। व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है, गुस्सा स्वभाव में रह सकता है इस तरह का ऑफशूट नीचे की तरफ मंगल एरिया की तरफ चलने की वजह से। ओवरऑल मंगल इनका काफ़ी अच्छा और प्रभावशाली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी इनके अंदर गुस्सा भी रह सकता है, लेकिन हार्ट की जो लाइन है वो बहुत क्लियर है, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इनको नहीं होने वाली। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन यहाँ पर मिडल तक पहुँचती हुई और कुछ इस तरह से चलती हुई 25 के आसपास की एज तक की जो लाइन है यहाँ पर जुड़कर चलती हुई। लगभग इस एज के बाद ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 25 के आसपास की एज के बाद पूरी तरह से इंडिपेंडेंट अपने जो डिसीजंस हैं खुद से लेना शुरू करेंगे। हार्ट की माइंड की लाइन जो है वो मिडल तक ही पहुंच पा रही है। हाथ में जो शो करती है स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यह स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन माइंड बहुत शार्प रहने वाला है क्योंकि लाइन बहुत क्लियर है, डिक्लाइन नहीं है लाइन में, शार्प माइंड यहाँ पर शो हो रहा है, तेज़ दिमाग। बिजनेस के लिए तो वैसे भी व्यक्ति का माइंड जो है वो शार्प होना चाहिए, तो यहाँ पर शार्प माइंड मैं देख पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है ऐसे लोग जिनकी माइंड की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती उनसे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए देखे गए जिनकी माइंड की लाइन बहुत लंबाई में होती है। तो यहाँ पर यह लाइन इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी बना सकती है क्योंकि मिडिल साइज़ की लाइन है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है और कोई भी फ्ला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इनके माइंड की लाइन में जो इसको नेगेटिव कर रही हो, काफ़ी पॉजिटिव लाइन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ बहुत स्ट्रांग है, लाइफ की लाइन सारी लाइनों से ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ से चलती हुई लाइफ की लाइन और लगभग यहाँ तक जो शो करती है 90+ की एज को, यानी कि 90 से ज़्यादा वर्ष तक यह जी पाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन है। और वीनस का एरिया बहुत अच्छा डेवलप्ड है, यानी कि हर तरह की सुविधाएं इनको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी लाइफ में, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी हर तरह की सुविधाएं इनको मिलती जाएंगी। लाइफ लाइन के ऊपर कोई भी बैड मार्किंग नहीं है जो शो करती है एक अच्छी हेल्थ को,
और साथ ही साथ यहाँ पर एक गार्डियन एंजल लाइन भी नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, जो शो करती है किसी ऐसी शक्ति की, स्पोर्ट की, जो इनको सपोर्ट कर रही हो। और लगभग यह उन लोगों के हाथों में ऐसी लाइन होती है जिनका कोई अपना या कोई खास मित्र या रिलेटिव जिन्होंने खो दिया हो, और वो रिलेटिव या मित्र उनकी हेल्प करता है किसी ना किसी तरह से अदृश्य शक्ति के रूप में। और इनको गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। काफ़ी सपोर्टिव लाइन होती है जो जुड़कर बाद में बाहर की तरफ निकलती है, अंदर की तरफ, यानी लाइफ लाइन के अंदर की तरफ दिखाई देती है ये लाइन। तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को एक अदृश्य शक्ति से मिलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, और काफ़ी बेनिफिशियल लाइन माना जाता है इस तरह की लाइन का होना हाथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही इनकी लाइफ की लाइन में। बाहर की तरफ लाइन का चलना शो करता है कि यह घर से दूर भी कहीं जाकर सेटल हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि लाइन जो है वापस पीछे की तरफ कम मुड़ रही है और बाहर की तरफ ज़्यादा निकल रही है। तो अपने घर से दूर जाकर सेटल होने के चांसेस भी इस तरह के केस में रहते हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे के सारे सवालों के जो जवाब हैं वो अपने एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इनका कोई सवाल रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के थ्रू अपने सवाल सेंड करें, ताकि दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जो जवाब हैं वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।